गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस के शर्मा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कस विल बी हार्मोन्स। सो नाउ स्टार्ट हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो हार्मोन्स इज ए केमिकल सबस्टेंस रिलीज बाई ए सेल एंड ए ग्लैंड इन आवर पार्ट ऑफ द बॉडी डैट सेंड आउट मैसेज डैट इफेक्ट सेल इन अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स एक प्रकार का केमिकल होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं या अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा रिलीज होता है, जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक पहुंचता है। कुछ हार्मोन्स हमारी कोशिकाओं के द्वारा रिलीज होते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रिया, वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। तो जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि एक मानव के विकास के लिए, मानव की बॉडी की संरचना हो, उसमें ऑर्गन्स का डेवलप हो, हेयर का हो, सांवला हो, गोरा हो, यानी कि लैंगिक प्रजनन हो, यानी कि जो भी है, यानी कि बॉडी का पूर्ण रूप से विकास हार्मोन्स के द्वारा ही किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि हार्मोन्स हमारे शरीर में कहाँ से रिलीज होता है। तो जानते हैं हमारे शरीर में ऐसी कई ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। ऐसी ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, एग्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन। यहाँ ग्लैंड दो प्रकार से कार्य करती हैं, जैसे अग्नाशय, भृषण और अंडाशय। इनमें से ये हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एग्जोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो एग्जोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एग्जोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्रंथियां को कहते हैं जो वाहिनी में पदार्थ स्रावित करते हैं, जैसे लार ग्रंथि लार वाहिनी से लार स्रावित करती है। इसके बाद फिर देखते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं? तो जानते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड वे होती हैं जो सीधे ब्लड में अपना पदार्थ स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कई नलिका नहीं होती हैं, अतः स्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन्स को रासायनिक दूध के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक दूध के नाम से किसे जानते हैं? तो हार्मोन्स को जानते हैं। तो हार्मोन्स को रासायनिक दूध के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड विभिन्न प्रकार के ग्लैंड से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती हैं। जैसे कुछ हार्मोन्स आप लोग सुने होंगे, जैसे पिनियल ग्रंथि, यानी कि पिनियल ग्लैंड। इस प्रकार के हार्मोन्स क्या करते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पैराथाइड थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, अग्नाशय ग्लैंड, अधिवक्त ग्लैंड, अंडाशय एवं भृषण ग्लैंड। यानी कि ये सब जो ग्लैंड होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग वर्ग क्या करते हैं? कार्य करते हैं, जो प्रत्येक ऑर्गन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं, हार्मोन्स के हमारी बॉडी में कार्य क्या होते हैं। तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, शरीर के विकास, प्रजनन, यौन गतिविधियों, मूड आदि क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज को भी कंट्रोल करता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर किसी महिला या पुरुष में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है,
यानी कि उनमें बांझपन की प्रॉब्लम होती है तो भी वो क्या होता है, हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ रुक जाता है, शरीर बौनापन हो जाता है, शरीर में कोई डेवलप नहीं होता है तो भी एक हार्मोन्स के द्वारा होता है। मानव शरीर में हेयर्स का आना, जैसे कि फेशियल हेयर्स इत्यादि, सब हार्मोन्स क्या होते हैं, सब हार्मोन्स के द्वारा ही रिलीज होते हैं। फीमेल्स में कुछ हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं। ये सब हार्मोन्स क्या होते हैं, बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक हार्मोन्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक हार्मोन्स का क्या क्या कार्य होता है। इन सब के बारे में हम एक एक वीडियो आप लोगों को एक हार्मोन्स के लिए बनाएंगे, जिसे आप देखेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के सामने प्रत्येक हार्मोन्स के बारे में बताएंगे कि वो हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनकी कम होने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ज़्यादा होने से क्या दिक्कत हो सकती हैं, अगर हार्मोन्स का बैलेंस प्लस माइनस हो गया है तो इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। ओके, बाय।